गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। आज नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और टॉपिक रहेगा आज का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनमें जब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है, या जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो जो डेफिनेशन रहेगी वो है मेटल कार्बोनाइल्स आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना जो मेटल कार्बोनाइल्स कहलाता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज द लिगेंड। यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक्ट करती है एज ए लिगेंड, और दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बेटा हम कह सकते हैं भी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनमें हम क्या कहेंगे, वी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड। भी कम से कम एक जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो जरूर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे आपके पास है बेटा Ni ब्रैकेट CO4, इसी तरह FeCO5, Mn2CO10, CrCO6। ये क्या है बेटे, एग्जाम्पल हैं। तो इनमें हम क्या देखेंगे भी जो निकल है और जो कार्बन है इनके बीच में बेटा क्या होता है, बॉन्ड बनता है, या आयरन या जो कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। फिर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, तो देखिए जो मेटल कार्बन बॉन्ड है इन मेटल कार्बोनाइल्स हैव बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। भी इसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा बेटा और पाई बॉन्ड भी बनेगा। और ये आपको पता ही है भी जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है भी जब हम देखते हैं भी शेयरिंग होती है, जैसे कि अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको यह पता है भी ये क्या होती है, किसी भी कंपाउंड की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मान लो ये मेटल की है और ये जो शेयरिंग कर रही है ये किसके लिए है, कार्बन के लिए है। तो यहां पे शेयरिंग होने से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं और आप इसकी जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो आपको पता है क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो उस बेस पे हमारे पास क्या है बेटा, भी कोई भी मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड है उसमें सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर होता है, और ये जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है बिटवीन द मेटल एंड कार्बन एटम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिस्क्राइब बिलो। इसको हमने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है कैसे, बी द फर्स्ट ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन द फील्ड बॉन्डिंग पाई टू पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड विद द एम्प्टी मेटल डी ऑर्बिटल। सबसे पहले जो ओवरलैपिंग बेटा टेक प्लेस करेगी वो जो 2p ऑर्बिटल है उसके बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड के, और जो d ऑर्बिटल है मेटल का उनके बीच में टेक प्लेस करेगी, रिजल्टिंग इन ए सिग्मा बॉन्ड, जिसके कारण क्या है इनमें सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा बिटवीन द मेटल एंड कार्बन एटम ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जो डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑन कार्बन इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल वो टेक प्लेस करेगा। भी जो डोनेशन है वो होगी बेटे लिगेंड के द्वारा, ठीक है, किसको, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल है। तो एज जो कार्बोनाइल है बेटा वो एक वीक बेस, या हम कह सकते हैं भी एक वीक डोनर होता है, तो जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड विद द मेटल एटम इज वीक। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा मेटल का और कार्बन का वो बॉन्ड जो है वो कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। अगर डायग्राम की बात की जाए जैसे मैंने अभी बताया भी, यहां देखिए इसमें दोनों में क्या हो रहा है, इनमें अपने बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहां पे ये एरो लगाया गया है, तो ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो अपने पास मेटल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर है बेटे उसमें तुम देखो भी जो सिग्मा ओवरलैप है वो किसके बराबर है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इनटू ए वैकेंट डी ऑर्बिटल। भी जो हमारे पास डोनेशन हो रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का
ऑन कार्बन इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन द मेटल फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा वो? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जबकि जो पाई ओवरलैप है इसमें जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम ए फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू ए वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। आप देख रहे हैं यहां हमने क्या लिया, ये तो पाई बॉन्ड है और ये क्या है पाई स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग है। तो ये हमारे पास जो पाई ओवरलैपिंग हो रही है वहां पर जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम ए फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ को फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, तो वहां ये टेक प्लेस करेगा। तो फर्स्ट ओवरलैप में तो देखा अभी सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि बेटा जो सेकेंड ओवरलैप है उसकी बात की जाए तो उसमें क्या कहा जाता है, विद द सेकेंड ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन मेटल डी ऑर्बिटल, जो मेटल डी ऑर्बिटल है विद एन एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके बीच में बनेगा, जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल फील्ड डी ऑर्बिटल है उसका एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड से बनेगा, रिजल्टिंग इन एडिशनल पाई बॉन्ड, जिससे क्या होगा एक एडिशनल पाई बॉन्ड बनेगा बिटवीन मेटल एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो हेयर जो ये डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम ए फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू ए वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकर्स, मतलब हम इसको क्या कहते हैं बैक बॉन्डिंग। अभी आपने देखा भी ये तो देखो यहां पर बॉन्ड बना रहा है बेटे, ये देखो, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन वापिस पीछे जा रहे हैं मेटल के पास, तो जब ये इस तरह से जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो वही बात यहां पे इसने अपने को बता रखी है भी इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। हियर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इज एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर लिगेंड, इसको क्या नाम दिया जाता है एक एक्सेप्टर लिगेंड का नाम दिया जाता है। तो ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं इनमें से जो इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रेंथन, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो मजबूत करता है जो पाई बॉन्ड है उसको, तो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। तो जो ये बेटा इस तरह से टेक प्लेस करता है उसको नाम दिया जाता है सिनर्जिक इफेक्ट का। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बोनाइल एंड मेटल इज स्ट्रेंथन, उसको मजबूती मिलती है। तो ये हमारा इसके अंदर था मेटल कार्बोनाइल के बारे में। उसके बाद बेटे आ जाता है हमने पास स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन, भी जो सॉल्यूशन है उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बनाता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो ये है भी जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है मे बी डिफाइंड एज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ए लिगेंड बाय सम अदर लिगेंड। मतलब इसमें क्या होगा भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखेंगे और उसको हम मेजर करते हैं ऑफ रेजिस्टेंस टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ए लिगेंड बाय सम अदर लिगेंड। तो एज द डिसोसिएशन इन्वॉल्व, जो डिसोसिएशन है बेटा इसमें वो इन्वॉल्व होगी एज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोसिएटेड कंपोनेंट्स दैट इज आयंस और मॉलिक्यूल्स, एंड जो अनडिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स है जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सोल्यूशन है कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस बेस पे देखो क्या होगा भी जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है इज द कॉल्ड इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, इसको हम इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर द कॉम्प्लेक्स CuNH3+2 इन सोल्यूशन, हमारे पास जैसे बताइए कि केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इस केमिकल रिएक्शन में देखो क्या है CuNH3+2, इसको हमने डिसोसिएट किया तो ये Cu2+4NH3 दे रहा है। तो इसके लिए देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हम लिखते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट, तो यहां पर भी वही होगा। तो प्रोडक्ट देखो ये है रिएक्टेंट ये है, तो जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है Ki किसके बराबर आएगा Cu2+NH3+4 डिवाइड बाय CuNH3+2+। इफ इंस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन, अगर हम डिसोसिएशन की बजाय बात करें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की, भी यहां तो आपने देखा ये एक जो सिंगल कंपाउंड है टूट के हमें दो जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें भी दो प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इन द सोल्यूशन, तो जो रिएक्शन है विल रिवर्स
जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, दैट इज Cu2+ + 4 अमोनिया, ये हमें देगा CuNH3 4 2+। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर दिस रिएक्शन इज देयरफॉर क्या होगा बेटा, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है यहां पे बीटा, इसको डिनोट किया गया है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, और वो किसके बराबर होगा CuNH3 4 2+ डिवाइडेड बाय, मतलब ये तो प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट, तो ये डिवाइड कर दिया इससे। तो जो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इज द रेसिप्रोकल ऑफ इनस्टेबिलिटी, तो देख सकते हैं हम यहां पे भी ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे भी, अगर हम ये लिखें स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/KI, KI स्टैंड्स फॉर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अपने को देखिए बेटे क्वेश्चन आ सकता है भी कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द CuNH3 4 2+ आयन, गिवन दैट भी हमने क्या करना है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इसके लिए निकालना है, जबकि गिवन है B4 जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इज 2.1 × 10^13। तो देखिए जो फैक्टर है वो बेटा इसके अंदर कुछ है जो डिपेंड करते हैं, मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन है डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट है जैसे कि चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, भी जो फैक्टर है उनमें स्टेबिलिटी देखो डिपेंड करेगी, नंबर वन भी चार्ज कितना है सेंट्रल मेटल आयन पे, तो ग्रेटर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन पे जितना ज्यादा बेटा चार्ज होगा ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल Mn2 ग्रेटर, इससे ग्रेटर देन है Iron2, इससे ग्रेटर देन है कोबाल्ट, इससे ग्रेटर है निकल, इससे ग्रेटर कॉपर, और इससे ग्रेटर कौन है जिंक। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, भी लिगेंड का बेसिक नेचर कैसा है, तो ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है अगर वो ज्यादा होगी तो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग, फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, भी जो चिलेट रिंग बनती है उसकी फॉर्मेशन जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगी जो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स है वो भी इंक्रीज होगी। और लास्ट है इफेक्ट ऑफ मल्टी डेंटेड साइक्लिक लिगेंड, जो मल्टी डेंटेड साइक्लिक लिगेंड्स हैं उसमें बेटा क्या पढ़ेंगे देखो भी, इफ द लिगेंड्स हैपन्स टू बी मल्टी डेंटेड, भी जो लिगेंड्स है वो मल्टी डेंटेड है एंड साइक्लिक है वो विदाउट एनी स्टीरिक इफेक्ट, बगैर किसी स्टीरिक इफेक्ट के, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स है इज फर्दर इंक्रीज, वो दोबारा क्या करेगी इंक्रीज करेगी, तो ये जो इफेक्ट है इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, इसको हम क्या नाम देते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट का नाम देते हैं। तो ये फैक्टर थे बेटे जो क्या करते हैं डिपेंड करते हैं जिसके ऊपर जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इसी के बेस पे देखो हमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन क्या है व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन, भी जो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन उसका क्या मीनिंग है, स्टेट द फैक्टर, फैक्टर भी बताइए। तो जैसे भी आपको बताया भी डेफिनेशन आ जाएगी और जो फैक्टर है वो इसके अंदर हम लिखेंगे बेटे। तो ये हमारा टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो इसी के साथ बेटे हमारा जो ये चैप्टर है वो एंड होता है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।